नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी हब इंडिया के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मुझे काफी दिनों से रिक्वेस्ट मिल रहा था कि एक टिपिकल क्वालिटी मैनेजर, जो क्वालिटी मैनेजर होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्किल्स चाहिए, उसके बाकी जो कंडीशंस हैं, इंडस्ट्री के जो पर्सपेक्टिव है, इनके बारे में कोई वीडियो मॉड्यूल बनाया जाए। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम रहेगा हमने एक्सक्लूसिवली क्वालिटी मैनेजर के लिए बनाया है, या वो लोग जो कि क्वालिटी के फील्ड में एक्सेल करना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म में क्वालिटी मैनेजर, एक अच्छा क्वालिटी का लीडर बनना चाह रहे हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए डेडिकेटेड है। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का एजेंडा हो जाएगा, हम पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे क्वालिटी मैनेजर, यानी कि होता क्या क्वालिटी मैनेजर, उसके बारे में जानेंगे, बैकग्राउंड जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि क्वालिटी मैनेजर जो होता है, टिपिकल क्वालिटी मैनेजर किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्वालिफिकेशन टिपिकली क्या जरूरत होती है एक अच्छा क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटी मैनेजर के लिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट अगर आप एक क्वालिटी मैनेजर बनते हैं एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का एनवायरमेंट मिलेगा काम करने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस मिलेंगे, है ना, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि टिपिकल वर्किंग आवर्स क्या होते हैं किसी क्वालिटी मैनेजर के लिए, वर्किंग एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट होती है हम इसके बारे में जानेंगे, और क्या सैलरीज मिलती हैं एक टिपिकल क्वालिटी मैनेजर को, हम उसके बारे में फिर जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का आज का एजेंडा ये हो जाएगा। आइए इनको जरा हम एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए अब जो क्वालिटी मैनेजर होता है, ये किसी भी तरह के इंडस्ट्री में काम कर सकता है, है ना। तरह तरह के इंडस्ट्री होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री होते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत तरह के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, सर्विस में भी काफी तरह के सर्विस इंडस्ट्रीज होते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट तो होती ही है क्वालिटी मैनेजर्स की। तो काफी जगहों में उनको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर कहते हैं, काफी जगहों में उनको क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर कहते हैं। हालांकि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है, काफी सारे जगहों में इसको एज ए सिनोनिम माना जाता है, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को लोग सेम मानते हैं। हालांकि सेम होता नहीं है, लेकिन इवन दो कुछ जगहों में इसे क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन वही क्वालिटी एश्योरेंस वाली ही होती है ना। और कुछ जगह में जहां पर मैच्योरिटी होती है तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों, टिपिकल जो एक्सपेक्टेशन होता है किसी क्वालिटी मैनेजर से, कि अल्टीमेटली आपके जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझे, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी चीजें करनी है, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करवाना है, प्रोडक्ट के प्रोसेस को कंट्रोल करना है, डिलीवरी को कंट्रोल करना है, ताकि अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, बिजनेस में ग्रोथ हो, मार्केट में कंपनी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, और जो भी लीगल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वगैरह हैं वो सारे फुलफिल हो। तो अगर ब्रॉडली बात करें तो सारा जो रोल होता है क्वालिटी एश्योरेंस का, जो मैनेजर होता है या क्वालिटी मैनेजर जो होता है, ये सारा मैनेजमेंट करता है। तो दोस्तों, जो टिपिकल क्वालिटी मैनेजर होता है वो एक सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट को हेड नहीं करता है, है ना। काफी जगह मैंने देखा है कि क्वालिटी मैनेजर जो होता है उसको लगता है कि मेरा काम जो है मेरे डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, और जो रूटीन के जो इंस्पेक्शंस और ऑडिट करना है ना, मुझे वही काम करना है। तो दोस्तों, आपको ये समझना जरूरी है कि क्वालिटी एश्योरेंस का मैनेजर या जो क्वालिटी मैनेजर होता है वो रिपोर्टर नहीं है, जो कि हमारे न्यूज चैनल में आपने देखा होगा उनका काम होता है रिपोर्टिंग करना। तो आपका काम रिपोर्टिंग करना सिर्फ नहीं है कि ये खराब हो गया, ये अच्छा, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये प्रोसेस खराब है, यहाँ कंप्लायंस नहीं हो रही है, कंप्लेन आ गया। आपका काम है इन चीजों को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करते हुए अल्टीमेटली कंप्लायंसेस को बढ़ाना, और जो फेलियर्स आ रही है या आ सकती है उनको प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करके हम उसको एलिमिनेट करने के लिए सिस्टम्स इंप्लीमेंट करें, और उसके लिए आपको लोगों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। यानी कि एज ए क्वालिटी मैनेजर आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन हो, टूल रूम हो, मेंटेनेंस हो, एचआर हो, एडमिन हो, सिक्योरिटी हो, मार्केटिंग हो, जो भी डिपार्टमेंट्स हो, आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। यहां तक कि अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को, ये जो कंप्लीट वैल्यू चेन होता है दोस्तों, ये जो कंप्लीट सप्लाई चेन होता है आपके सप्लायर से लेके आपके कस्टमर तक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक कि आपके जो अगर डीलर्स हैं, या फील्ड में अगर आपको अलग अलग एजेंसियों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट एजेंसियों से इंटरेक्ट करना पड़ता है ना,
तो सबके साथ में आपको लायजन करना है और उनको साथ में लेकर चलना है। तो दोस्तों हमारा जो नया स्टैंडर्ड है QMS का ISO 9001:2015, ये बात करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट मालूम होना चाहिए और उसमें जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। तो एज ए क्वालिटी मैनेजर्स आपको सारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ में आपको लायजन करना है, उनको इन्वॉल्व करना है ना। तो आपको सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही इन्वॉल्व नहीं होना है, काफी बड़ा रोल है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं फॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हालांकि कुछ चीजों को मैंने ब्रॉड लेवल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ फॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एक टिपिकल क्वालिटी मैनेजर्स की, उसे जानते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है हमने किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ध्यान में रख के बनाया नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो, बीपीओ हो, केपीओ हो, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, एविएशन हो वगैरह वगैरह, है ना। हमने एक जनरल प्रोग्राम बनाया है और इसमें जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स हैं वो किसी भी इंडस्ट्री को अप्लाई करेंगे। हाँ, मे बी अगर रिक्वायरमेंट हो तो बाद में हम कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी प्रोग्राम आपके लिए बना देंगे। तो दोस्तों क्वालिटी मैनेजर जो होता है एक एक्सपर्ट रोल प्ले करता है और जनरली कुछ एक्सपर्टीज होती है जो माना जाता है एक क्वालिटी मैनेजर में होना चाहिए। वो काफी सारे टूल टेक्निक्स मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग प्रोसेसेस के लिए जो परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं उनको एस्टैब्लिश करना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्वालिटी मैनेजर्स की। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस है ना, हम जानते हैं कि सिस्टम जो हमारा QMS से बात करता है प्रोसेस अप्रोच की बात करता है। तो प्रोसेस अप्रोच में बेसिकली हम काफी बड़ा एस्पेक्ट है, वैसे अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो हमारे जो जितने भी प्रोसेसेस हैं सारे के परफॉर्मेंस मेजर जो होते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया आपको एस्टैब्लिश करने होते हैं, उनको मॉनिटर करना पड़ता है, उसमें इंप्रूवमेंट करना होता है। तो क्वालिटी मैनेजर जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे फंक्शन के साथ में उनको फैसिलिटेट करके जो क्रिटिकल KRAs हैं या जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं उनको एस्टैब्लिश करना, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना और उनको मॉनिटरिंग करने के दौरान में अगर कुछ गैप्स निकलती है तो उसको कैसे एनालिसिस करना है, वो एनालिटिकल एबिलिटी भी एक क्वालिटी मैनेजर में आना चाहिए। टीम को इन्वॉल्व करके उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथोडोलॉजी को प्रपोज करवाना, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने फॉर्मली यहां पर रिकॉर्ड किए हैं आपको बताने के लिए इसको जरा एक करके देख लेते हैं। डिवाइजिंग एंड एस्टैब्लिशिंग ए कंपनीज क्वालिटी प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों फॉर्मल तरीके से जो भी आपके अलग अलग फंक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, हम जनरली दोस्तों फंक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं क्योंकि हम लोग यूज्ड टू होते हैं। हालांकि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो डिपार्टमेंट की बात नहीं करता है, वो बेसिकली बात करता है प्रोसेसेस की बात करता है। लेकिन जनरली मैंने देखा इंडस्ट्री में प्रोसेस वर्ड जो है बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। हम डिपार्टमेंट बात करते हैं, मेरा डिपार्टमेंट, तेरा डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, है ना, ये जनरल तरीका होता है। तो इसलिए मैं कुछ जगहों में आपको डिपार्टमेंट वर्ड यूज करूंगा मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैसे हमको आइडियली प्रोसेसेस बोलना चाहिए या फंक्शंस बोलना चाहिए एट द मोस्ट। तो जो क्वालिटी मैनेजर होता है दोस्तों ये फैसिलिटेट करता है और जो अलग अलग फंक्शंस के जो क्वालिटी प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, SOPs होते हैं, उनको एस्टैब्लिश करवाना, है ना। डिवाइस करना और एस्टैब्लिश करना दोनों अलग चीज है दोस्तों। डिवाइस करना का मतलब होता है बनाना और एस्टैब्लिश करना मतलब उसको इंप्लीमेंट करके उसको सस्टेन करने के सिस्टम लगाना, है ना। तो दोनों में बहुत अंतर है। हालांकि ये प्रोग्राम नहीं है हमको उन डिटेल में जाने के लिए, तो मैं बहुत ब्रॉड लेवल में बताऊंगा क्योंकि यहां पर हमारा फोकस है कि क्वालिटी मैनेजर के लिए क्या चाहिए, हम उस एलिमेंट में फोकस करेंगे। सेकेंड पॉइंट हो गया रिव्यूइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड मेकिंग श्योर दे आर मेट, है ना, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को स्टडी करना और आइडेंटिफाई करना। हालांकि दोस्तों स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है कि क्वालिटी मैनेजर अकेला नहीं करे, एक क्रॉस फंक्शन टीम इन्वॉल्व हो। तो यहां पर बोलने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी मैनेजर जो है अकेला ड्राइंग लेके या जो कस्टमर का मैनुअल लेके कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर ले। कहने का मतलब है उसका रोल है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई करना और करवाना। तो उसको टीम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, उसे क्या प्रोसेस है और उसके लिए मुझे कौन कौन से रिलेवेंट फंक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वॉल्व करना है। उनको इन्वॉल्व करते हुए क्रॉस फंक्शन टीम बनाए और टीम बना के कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से आइडेंटिफाई करें। थर्ड पॉइंट हो गया वर्किंग विद परचेजिंग स्टाफ टू एस्टैब्लिश क्वालिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स। तो दोस्तों आपके जो इनपुट मटेरियल्स हैं, आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं और काफी सारे मटेरियल जो रहते हैं, सपोर्ट फंक्शंस रहते हैं, आपके सप्लायर्स पूरा करते हैं। अगर आप सप्लायर्स को सही तरीके से आप मैनेज नहीं करेंगे
तो भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसके लिए आपको परचेजिंग डिपार्टमेंट या मटेरियल डिपार्टमेंट या एसएम डिपार्टमेंट जो भी कहते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्वालिटी मैनेजर जो होता है उनके साथ मिलते हुए सप्लायर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ना। मैनेज करने का मतलब हो गया उनका इनिशियल असेसमेंट करना, उनका इवोल्यूशन करना सिस्टम का, उनका अप्रूवल करना, उनका उनका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना, उनका रेटिंग करना, उनका सिस्टम ऑडिट करना, उनका डेवलपमेंट करने का प्लान बनाना, बहुत सारी चीजें होती हैं सप्लायर मैनेजमेंट में। तो उन सारी चीजों में क्वालिटी मैनेजर जो होता है परचेज टीम के साथ मिलकर इसको लीड करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया दोस्तों सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एज वेल एज हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, हेल्थ सेफ्टी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेजर्स हैं उन मेजर्स को, उन स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना और साथ ही साथ उनके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के जो मैकेनिज्म है उनको भी एस्टैब्लिश करना। फिफ्थ एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों मेकिंग श्योर दैट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेसेस मीट इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस की बात नहीं है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है। अगर आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में ही अगर एग्जाम्पल ले लें तो एचआर प्रोसेस होते हैं, एडमिन के प्रोसेस होते हैं, मार्केटिंग के प्रोसेस होते हैं ना, तो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, तो जो भी प्रोसेसेस हैं क्वालिटी मैनेजर को यह देखना है कि वो जो है एक नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड्स हैं रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करें। लुकिंग एट वेज टू रिड्यूस वेस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी और अल्टीमेटली लीन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए जो वेस्ट एलिमिनेशन करना है, वेस्ट को रिड्यूस करना है, उस पर काम करें और कंपनी की प्रोसेसेस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए भी क्वालिटी मैनेजर फैसिलिटेट करता है। डिफाइनिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स इन कंजक्शन विद ऑपरेटिंग स्टाफ, जो अपने ऑपरेशंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं मैनेजर्स हैं उनके साथ मिलते हुए जो सिस्टम प्रोसीजर बनाना है उनको बनाना है और उनको इंप्लीमेंट करवाना है। सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग कंट्रोल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स, जो भी आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए जो प्रोसीजर सिस्टम बनाना है वो बनाना और उसको इंप्लीमेंट करवाना, ये भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा क्वालिटी मैनेजर। नाइन्थ एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस बाय गैदरिंग रिलेवेंट डेटा एंड प्रोड्यूसिंग स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। जो भी परफॉर्मेंस चल रही है प्रोसेसेस की, सही चल रही है कि नहीं चल रही है, डेटा कलेक्शन करना, उसके जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह करना है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेस में आप स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो कंट्रोल चार्ट का कलेक्शन करना, कौन सा कंट्रोल चार्ट कहां पर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, क्या सैंपल साइज रहेगा, कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा, कंट्रोल लिमिट कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, बाद में अगर कैपेबिलिटी कैलकुलेशन करना है तो कैसे किया जाएगा, किस फ्रीक्वेंसी में किया जाएगा वगैरह वगैरह, है ना, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जो क्वालिटी मैनेजर है इन सब चीजों में एक्सपर्टीज हो और वो ऑपरेशन स्टाफ को गाइड करे, फैसिलिटेट करे इन सब चीजों को इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए। मेकिंग सजेशंस फॉर चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स एंड हाउ टू इंप्लीमेंट देम यूजिंग रिलेवेंट क्वालिटी टूल्स एंड मेकिंग श्योर मैनेजर्स एंड अदर स्टाफ अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्रूव द बिजनेस। तो दोस्तों कहने का मतलब है बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि क्वालिटी मैनेजर जो है सिर्फ अपने एरिया को नहीं, वो कंपनी को साथ में लेकर चलता है और सारे डिपार्टमेंट को, सारे फंक्शंस को फैसिलिटेट करे कि ओवरऑल कंपनी में कैसे ग्रोथ लाया जाए। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है कि जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है, अगर ब्रॉड लेवल में बात करूं तो, यानी कि सेल्स या रेवेन्यू को बढ़ाना और प्रॉफिट को भी बढ़ाना, है ना। तो इन सब चीजों को करने के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, उनके गोल को इसके साथ में अलाइन करना, है ना, और गोल को अलाइन करने के बाद में जो अलग अलग प्रोसेसेस बनते हैं उन प्रोसेसेस को डिफाइन करना, उनको एस्टैब्लिश करना, उनको मॉनिटरिंग करना और ये देखना कि जो अलग अलग फंक्शंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल है, वो मीट हो रहा है कि नहीं, ये काम भी करवाना क्वालिटी मैनेजर का रोल होता है। मेकिंग श्योर द कंपनी इज वर्किंग एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल टू कीप अप विद कॉम्पिटिटर्स। दोस्तों क्वालिटी मैनेजर जो रहता है उसको बहुत ही विजिलेंट रहना चाहिए कि इंडस्ट्री कैसे बिहेव कर रही है, जिस भी इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, उनके क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, क्या अचीव कर रहे हैं, मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा है, और अकॉर्डिंगली क्वालिटी मैनेजर जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाए टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलके कि हम कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करें या अप टू डेट हम रहें, मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। आइए दोस्तों हम जानते हैं कुछ टिपिकल क्वालिफिकेशन जो कि क्वालिटी मैनेजर के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्वालिटी मैनेजर है वो किस डोमेन में काम कर रहा है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है ना, इसके हिसाब से क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है।
क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस प्रोसेस में उस इंडस्ट्री में एक्सेल करना है और अपनी कंपनी को अपने ऑर्गेनाइजेशन को उनके गोल को अचीव करवाने में हेल्प करवाना है। लेकिन दोस्तों जनरल जो एक्सेप्टेंस नॉर्म होता है इंडस्ट्री का, कोई इंजीनियरिंग डिग्री आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया वगैरह वगैरह, अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में हैं तो आपने एविएशन में अगर ग्रेजुएशन किया हुआ इंजीनियरिंग में चल जाएगा, या आपने फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, अप्लाइड साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, या अगर आपका फील्ड पॉलीमर का है तो पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है वगैरह वगैरह, बैचलर और मास्टर डिग्री इन वेरियस फील्ड्स। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि किस तरह के फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो जनरल एक्सेप्टेंस नॉर्म जो होता है कि कम से कम तो बैचलर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री अगर है तो बहुत बढ़िया है। वैसे जनरल जो प्रोसेस स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज होने के साथ ही साथ दोस्तों आज के टाइम में ये भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर आपका टेक्निकल डिग्री के अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके कुछ प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हैं तो उससे आपको दोस्तों एक्स्ट्रा एज मिलता है। और इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अगर आपने किया हुआ है, जैसे कि सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट हो गया, ब्लैक बेल्ट हो गया, मास्टर ब्लैक बेल्ट आपने किया है, आपने इंटरनल ऑडिटर, लीड ऑडिटर का कोर्स किया हुआ है, आपने TQM, TPM में आपने कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया हुआ है वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों। तो ये सारे जो प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हैं आपको बहुत मैटर करते हैं और आपको आपकी करंट कंपनी में एक्सेल करने के लिए, नई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जा रहे हैं वहां पर आपके अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि हायरिंग की अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको एज मिलता है, आप थोड़े से दूसरे से थोड़ा सा हटके बनते हैं और आपको थोड़ा प्रेफरेंस भी मिलता है। तो दोस्तों अगर एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो हमने डिग्रियां बताई हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये होना ही चाहिए। वैसे इसके अलावा कुछ अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, और इसके अलावा दोस्तों ये भी मैंने देखा है कि आपको कुछ अगर फाइनेंशियल नॉलेज है तो भी बढ़िया है, क्योंकि आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए दोस्तों कुछ फाइनेंस की समझ भी होनी चाहिए, है ना। तो आपको अगर अच्छा लीडर बनना है, सिर्फ क्वालिटी मैनेजर नहीं, अच्छा लीडर बनना है तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, बिजनेस एस्पेक्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ अगर आप एक्स्ट्रा कोर्स कर लें, कुछ आप ऑनलाइन कोर्स कर लें या पार्ट टाइम कोर्स कर लें तो हर्ज नहीं है, आपको कुछ फायदा ही मिलेगा उससे। दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जानते हैं जो कि एक अच्छे क्वालिटी मैनेजर के लिए जरूरी होते हैं। तो पहला जो स्किल्स होगा दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप अलग अलग फोरम में, अलग अलग लेवल में, अलग अलग तरह के लोगों के साथ में आप बात करेंगे। आपको ऑपरेटर से बात करनी पड़ सकती है, एसोसिएट से बात करनी पड़ सकती है, इंजीनियर से बात करनी पड़ सकती है, टॉप मैनेजमेंट के साथ में बात करनी पड़ सकती है, कस्टमर के साथ में बात करनी है, सप्लायर के साथ में बात करनी है, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में बात करनी है। अगर आपका कम्युनिकेशन साफ नहीं होगा, अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश में बात करना नहीं होता दोस्तों। काफी बार मैंने देखा है दोस्तों कि लोगों की सोच होती है अच्छा कम्युनिकेशन मतलब जो बंदा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जरूरी नहीं है, मैं इसे नहीं मानता हूं। हालांकि अगर मैं इंडिया की बात करूं और वर्ल्ड स्टेज में भी वैसे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपको अगर अपने लैंग्वेज में अच्छा कमांड है तो भी बुरा नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम एग्जांपल दे सकते हैं, जापान का एग्जांपल देख लीजिए, चाइना का एग्जांपल देख लीजिए, रशिया का एग्जांपल देख लीजिए, जर्मनी का एग्जांपल देख लीजिए, सब अपने अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए एक्सेल करते हैं और काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो अगर आप अपने लैंग्वेज में, चाहे आप तेलुगु जानते हो, तमिल जानते हो, उर्दू जानते हो, फर्क नहीं पड़ता है, है ना, आपको अपने लैंग्वेज में अच्छा कमांड होना चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन करें कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशन करें, विद क्लैरिटी कम्युनिकेशन करें, और आपको उस सब्जेक्ट पे अच्छा नॉलेज होना चाहिए, है ना। वैसे अगर इंग्लिश भी जान ले तो अच्छा है। वैसे सेकंड जो स्किल है दोस्तों प्रेजेंटेशन स्किल्स है। तो दोस्तों काफी बार आपको अलग अलग जगह में प्रेजेंटेशन करना भी पड़ेगा, तो आपका अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है, आपकी नॉलेज कितनी है इंपॉर्टेंट तो रहता ही रहता है, लेकिन आपके अंदर घुसे कोई देखता नहीं है, है ना। आप जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो सामने वाला आपको देखता है और थोड़े से समय में आपको जज कर लेगा कि बंदे को कुछ मालूम है भी कि नहीं मालूम है। तो कैसे प्रेजेंट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मैंने काफी बार देखा है कि काफी सारे लोग रहते हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही बेकार रहता है, अच्छी तरह से अपने बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वो जिंदगी में एक्सेल नहीं कर पाते हैं अपने फील्ड में। तो प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आ गया मोटिवेशनल स्किल। तो आपको अपने टीम को मोटिवेट करना है, अपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करना है, सप्लायर्स को मोटिवेट करना है, तो मोटिवेशनल स्किल्स भी बहुत जरूरी है।
द एबिलिटी टू परसुएड। दोस्तों बहुत बार होता है कि सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोग इतने आसानी से एक बार बोल देने के बाद में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आपको लोगों को परस्यूएट करना, मोटिवेट करना मालूम होना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी है। पेशेंस भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस नहीं रखेंगे आप बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे। नेक्स्ट जो स्किल है दोस्तों इंटरपर्सनल स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लोगों के साथ मिलकर काम करने की कला मालूम होनी चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट को साथ में लेकर आपको काम करने की स्किल्स मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपको एज एन इंडिविजुअल एक्सीलेंट नहीं बनना है, अपने टीम को भी एक्सीलेंट बनाना है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी साथ में लेते हुए उनको भी इंप्रूवमेंट करवाना है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप मिलजुल के काम करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड और टूल्स वगैरह मालूम होने चाहिए और इसके लिए काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। वैसे हमने क्वालिटी ऑफ इंडिया में बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, आप उनको भी सीख के अपने क्रेडेंशियल को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और एक अच्छा क्वालिटी मैनेजर बन सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए काफी सारे अलग अलग टूल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, सर्वन मैनेजमेंट टूल्स हैं, पीडीसी अप्रोच है, एडी का अप्रोच है, डीमैक का अप्रोच है वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेथड्स एंड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको उनको मालूम होना चाहिए और कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे प्रोजेक्ट को ड्राइव करना है, ये भी मालूम होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग स्किल, दोस्तों एक अच्छा लीडर वही होता है जो टीम को साथ में लेके चीजों को प्लान कर पाता है और उसको मॉनिटर करते हुए कंप्लीट कर पाता सक्सेसफुली, है ना। तो आपको एज एन इंडिविजुअल काम नहीं करना है, आपको टीम को साथ में लेते हुए प्रोजेक्ट को कैसे प्लानिंग करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है ना, आपको डे टू डे एक्टिविटीज को प्लानिंग करना है ना, अपने डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को, फंक्शन की एक्टिविटीज को प्लानिंग करना मालूम होना चाहिए। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किल्स इन न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, दोस्तों स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बहुत जरूरत है आज के टाइम में, क्योंकि आपका सारा डिसीजन होता है वो फैक्चुअल बेस्ड होता है। इनफैक्ट हमारे जो लेटेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर बेस करके बनाया गया है और उसमें से एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये बात करता है फैक्चुअल अप्रोच या डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की बात करता है। तो दोस्तों हमारे रूटीन लाइफ में भी हमें जो भी डिसीजन लेना होता है, डेटा बेस लेना होता है, सैंपल कलेक्ट करके लेना होता है, तो आपको स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल टूल्स के बारे में, एनालिसिस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए काफी सारे टूल टेक्निक्स हैं, वैसे इसके लिए भी क्वालिटी हब इंडिया ने काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट में जाके उन प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऑनलाइन बाय करके आप सीख भी सकते हैं और अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। 9th स्किल है दोस्तों द एबिलिटी टू वर्क एज पार्ट ऑफ ए टीम, दोस्तों इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपको एक टीम मैनेजर बनना है, टीम को साथ में लेते हुए काम करना है, तो लोगों को मोटिवेट करते हुए साथ में लेने की कला आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलग अलग प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, इंटरनल रिजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी ज्यादा हो रही है, तो आपको उनको एनालिसिस करके, डाटा को एनालिसिस करने के बाद में उनमें जो ग्रे एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करना और उसमें प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट्स को ड्राइव करवाना, ये आपको मालूम होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट स्किल है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट, यानी कि अगर आपको क्वालिटी मैनेजर बनना है तो किस तरह का चैलेंजेस, किस तरह का एनवायरमेंट आपको मिलेगा, ये आपको जानना जरूरी है। दोस्तों एक टिपिकल क्वालिटी मैनेजर जो होता है काफी सारे चैलेंजेस और काफी सारे कॉम्प्लिकेशन को फेस करता है, इतनी इजी लाइफ भी नहीं है जितना लगता है, डिपेंड करता है कि किस तरह के एनवायरमेंट में आप काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं एक्सक्लूसिवली बात करूं और ऑटोमोटिव में अगर बात करूं तो मैंने बहुत सारे क्वालिटी मैनेजर को देखा है, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा भागदौड़ भी होती है सप्लायर के यहाँ पर, कस्टमर के यहाँ पर, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके जो चैलेंजेस रहते हैं, आपके जो सिचुएशंस रहते हैं वो डिपेंड करते हैं। दोस्तों आज एक क्वालिटी मैनेजर आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि अगर इंडस्ट्री में कुछ टर्मोइल हो रही है, कुछ इशू हो रहा है और ले ऑफ किए जा रहे हैं और आपके पास में अगर जॉब नहीं है, आप फ्रीलांस वर्किंग या कंसल्टेंसी वर्क भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास में नॉलेज और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर है दोस्तों तो आप एज ए फ्रीलांस ट्रेनर, एज ए कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छे क्वालिटी मैनेजर्स के लिए बाउंड्री का कोई लिमिटेशन नहीं है, ग्लोबली किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी जाके वो काम कर सकता है, बशर्ते उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है और उसमें कॉन्फिडेंस है, रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। टिपिकली जो वर्किंग होती है दोस्तों आपको पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी,
छोटे कंपनियां, बड़ी कंपनियां, किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, क्वालिटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। क्वालिटी मैनेजर का मतलब ये नहीं हो गया दोस्तों कि क्वालिटी मैनेजर ये मैनेजर का डेजिग्नेशन हो जाए। क्वालिटी मैनेजर का मतलब हो गया वो एक असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, एक डायरेक्टर लेवल का बंदा भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है, या आप उसे क्वालिटी हेड कह लें। तो हम उस डेजिग्नेशन से लेवल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। लेवल आपका इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी कर सकता है। दोस्तों टिपिकली आपको क्वालिटी मैनेजर के रोल में काफी ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है। आपको फ्रीक्वेंटली सप्लायर के यहाँ पर जाना पड़ सकता है, कस्टमर के यहाँ पर जाना पड़ सकता है, फील्ड में कुछ इश्यूज हो रही हैं, फील्ड फेलियर्स हो रही हैं, कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, वहां जाना पड़ सकता है। आपको डीलर के यहाँ पर जाना पड़ सकता है, मशीनें खरीदनी है, कुछ टूल टैकल्स खरीदने हैं, उसमें भी हो सकता है कि आपको सपोर्ट करने के लिए जाना पड़ सकता है। किसी एक्सटर्नल एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में लाइजनिंग करने के लिए भी आपको बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ट्रैवलिंग जो होता है एक क्वालिटी मैनेजर के लिए रूटीन होता है, और मैंने काफी सारे क्वालिटी मैनेजर को 50-60% ऑफ द टाइम बाहर में ट्रैवल करते हुए मैंने देखा है। ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है, किस इंडस्ट्री में है, प्रोडक्ट क्या है, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, वगैरह वगैरह। और ट्रैवलिंग में आपको अब्रॉड ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, विद इन कंट्री भी ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। और ट्रैवलिंग का मतलब नहीं आपको सिर्फ प्रॉब्लम फेस करने के लिए ट्रैवलिंग करना पड़े, काफी बार आपको सप्लायर के यहाँ पर ऑडिट करने के लिए जाना पड़ सकता है, कस्टमर आपको प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए कुछ इनपुट देना चाह रहा है, कुछ टेक्निकल इनपुट देना चाह रहा है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ब्रॉड लेवल में अगर बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं और बहुत सारे आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे। तो दोस्तों जितने भी चैलेंजेस आप फेस करेंगे उतनी आपकी लर्निंग भी बढ़ती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वर्किंग आवर्स। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने वर्किंग आवर्स पर डिस्कस कर लिया है। वर्किंग आवर्स दोस्तों ये टिपिकल इंडस्ट्रीज में आपका 8 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटा भी हो सकता है, कुछ कुछ जगह में लोगों को 12 घंटा कुछ समय के लिए करना पड़ सकता है। यहां तक कि कुछ जगहों में, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन में, जहां पर एक्सक्लूसिव कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जा रहा हो, कस्टमर कंप्लेन आया हुआ हो, उसमें एनालिसिस चल रहा हो, एक्शन प्लानिंग किया जा रहा हो, या कस्टमर के विजिट्स है, उन सिचुएशन में आपको स्ट्रेच्ड आवर में भी काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों टिपिकली मैंने जो देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऐसा नहीं है कि सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होती है, लेकिन जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो वर्किंग आवर्स होते हैं थोड़े से स्ट्रेच ज्यादा होते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। और दोस्तों कैरियर ब्रेक्स आर पॉसिबल बट क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स चेंज एंड डेवलप रैपिडली, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर नॉलेज अप टू डेट। दोस्तों बहुत बार सिचुएशन ऐसे आते हैं कि इंडस्ट्री सही काम नहीं कर रहा होता है, मार्केट में रिसेशन आया हुआ है, तो काफी ज्यादा ले ऑफ होते हैं, लोगों को निकाला जाता है, तो उन सिचुएशंस में वही लोग सर्वाइव करते हैं जिनका कुछ एक्स्ट्रा एज होता है, यानी कि आपके कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हो, क्वालिफिकेशन हो, क्रेडेंशियल्स हो, है ना, तो आपके जो सर्वाइवल के चांसेस रहती हैं वो ज्यादा रहता है। तो मेरा सजेशन रहेगा जितने अपने क्रेडेंशियल्स को बढ़ा पाए, अलग अलग क्वालिफिकेशन ले लें, अलग अलग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर सकते हैं आप, क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम या ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह लेके अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, ताकि आप अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप रेडी रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों हमारा वर्क एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं और इंडस्ट्री में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा नहीं, लेकिन अगर आप एक कंपनी के लिए एज ए क्वालिटी मैनेजर या एचओडी क्वालिटी जो भी कह लें आप, अगर आप हायर किए जा रहे हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और उसमें काफी कुछ एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट होती है। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अलावा आपको इंडस्ट्री का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोसेस का नॉलेज आपका देखा जाएगा, सिचुएशन कैसे मैनेज करते हैं, टीम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका कितना है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हैं, और इसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री के, सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, टीक्यूएम वगैरह जो है, क्या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, क्या आप वो नए ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको ड्राइव कर सकते हैं, ये सारा चीज आपके लिए मैटर करेगा। तो दोस्तों प्रोसेस और जो प्रोडक्ट का नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स के अलावा, वैसे काफी सारे कोर्सेज हैं, कुछ जगहों में मास्टर्स डिग्री अवेलेबल है क्वालिटी मैनेजमेंट में, सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। वैसे क्वालिटी हब इंडिया में हम भी काम कर रहे हैं सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, जिसमें एक अच्छा क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए जो भी स्किल्स, जो भी ट्रेड्स, जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, उन सारे चीजों को हम बहुत ही इलैबोरेटली कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं, और कुछ महीने में हम सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर प्रोग्राम को भी लॉन्च करेंगे। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस, जिसे कि
एक अच्छा क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री आज के टाइम में बहुत कंपिटिटिव हो गया है, और अगर आप इस तरह के प्रैक्टिसेस को अगर नहीं जानते होंगे जो कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की निशानी होती है, तो आपका चांसेस ऑफ बीइंग हायर्ड बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट सिस्टम्स काफी तरह के होते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, फूड सेफ्टी के हैं, एनर्जी मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, और अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो आपको इनके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक दोस्तों काफी प्रचलित है, काफी इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के जो टेक्निक्स हैं आपको मालूम होने चाहिए। सिक्स सिग्मा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और काफी सारे हमारे जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं सिक्स सिग्मा को प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट बड़े इंडस्ट्री के अलावा आज के टाइम में काफी सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो भी हैं वो भी सिक्स सिग्मा को उनके बेनिफिट्स के लिए इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो अगर आप सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट हैं, ग्रीन बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट है, मास्टर ब्लैक बेल्ट है, तो आपकी क्रेडेंशियल थोड़ी सी हाई रहेगी और आपको दूसरे से थोड़ा सा एज मिलेगा, तो आपको सिक्स सिग्मा का भी नॉलेज होना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, और काफी सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो टीक्यूएम का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम जो है बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है दोस्तों, तो इसका भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो गया, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल में ही काफी सारे बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल होते हैं और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उन मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं। कुछ जगह में तो कंसल्टेंट को भी हायर करते हैं, तो अगर आपको बिजनेस एक्सीलेंस का अच्छा नॉलेज है तो आप अपनी कंसल्टेंसी भी रन कर सकते हैं, जिसमें कि EFQM, मालकम बाल्ड्रिज, डेमिंग है ना, काफी सारे बिजनेस एक्सीलेंस के मॉडल हैं। और दोस्तों बिजनेस एक्सीलेंस के अलावा ऑपरेशनल एक्सीलेंस के भी काफी सारे मॉडल्स हैं और उनके अवार्ड्स वगैरह भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जापान का ऑपरेशनल एक्सीलेंस काफी बड़ा अवार्ड है जो कि है सिगियो सिंगा अवार्ड, है ना, काफी फेमस है। तो आप इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, आपको इनके भी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों अब हम समझते हैं स्कोप ऑफ वर्किंग। तो दोस्तों अगर स्कोप ऑफ वर्किंग की बात करें तो आपको सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, आपको सप्लायर के यहाँ पर काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कंप्लीट वैल्यू चेन को साथ में लेके काम करना है। सप्लायर हो गया, आपकी कंपनी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चेन हो गया, आप एक कस्टमर हो गया, आपको सारे जगह में इन्वॉल्व होते हुए आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा। तो सप्लायर हो गया, आपके ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कस्टमर्स हो गया, सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, है ना, काफी सारे सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम EMS OSAS जो भी आपने मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया है तो आपको सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ में काम करना पड़ेगा, है ना, NC क्लोजिंग करवाना है, उनके साथ में लाइजनिंग करना है वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट बॉडी के साथ में आपको इंटरेक्शन करना पड़ सकता है, अलग अलग इंडस्ट्री बॉडीज है, इंडस्ट्री फोरम्स हैं, आपको उनके साथ में भी इंटरेक्शन करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपका जो स्कोप ऑफ वर्किंग जो है काफी वाइड हो जाता है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट हम समझने वाले हैं क्वालिटी मैनेजर के लिए वर्क एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों जनरल जो अप्रोच होता है, कोई अगर फ्रेशर एक ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो शुरुआत के टाइम में उसको इनकमिंग इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन या PDI स्टेज में या किसी पर्टिकुलर एक दो एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व किया जाता है, है ना, और धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होते हुए उसको अलग अलग एरिया में इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों, काफी बार मैंने देखा है कि काफी सारे लोग जो रहते हैं 10 साल तक 15 साल तक एक ही पर्टिकुलर एरिया में लंबे समय तक काम करते रहते हैं, तो उनका होराइजन वाइडन नहीं होता है, उनको क्वालिटी एश्योरेंस का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है या एक जो क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए जो चीज चाहिए उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कंपनी को दोष मत दीजिए, अपने आप को दोष दीजिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ जो है आपके हाथ में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां ग्रो करना है, कहां पहुंचना है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, सब अपने बारे में सोचते हैं, है ना। हाँ, लेकिन कोई अगर आपके बारे में सोच के आपको सपोर्ट कर रहा है उसके लिए थैंक्स कर लीजिए, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को ब्लेम कीजिए। तो मेरा सजेशन रहेगा दोस्तों कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मुझे बनना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसको फुलफिल करने के लिए कुछ अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करना है करिए, सारे एरिया के बारे में सीखिए, अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में सीखिए, इनकमिंग, इन प्रोसेस, फाइनल सिस्टम्स क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, सप्लायर के यहाँ पर ऑडिट कैसे करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कैसे करते हैं, बिजनेस एक्सीलेंस के मॉडल क्या है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वगैरह वगैरह, इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कैसे ड्राइव किया जाता है, क्वालिटी सर्कल कैसे करते हैं, 5S कैसे करते हैं, काइजन कैसे करते हैं,
सिक्स सिग्मा कैसे करते हैं, है ना। तो सारे चीजों को जानने के लिए आप खुद इन्वॉल्व होइए, ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपने एक्सपोजर को और वाइडन करने के लिए आप ऑनलाइन काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें इनरोल करके सीख सकते हैं। दोस्तों आज के भागदौड़ के टाइम में मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हमारे फ्रेशर्स रहते हैं, यहां तक कि जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, उनके पास में टाइम होता नहीं है, क्योंकि वर्किंग आवर उनकी इतनी हो जाती है कि उनके पास में टाइम नहीं मिलता है सीखने के लिए, या तो कंपनी उनको स्पॉन्सर नहीं करती है। तो उसके लिए बेहतर विकल्प है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आप इनरोल हो जाइए। तो दोस्तों अगर एम्प्लॉयर्स की बात करें तो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, और काफी सारे इंडस्ट्रीज है जहां पर कि आप काम कर सकते हैं एज ए क्वालिटी मैनेजर्स, कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों अगर इंडस्ट्री की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी तरह के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, ऑटोमोटिव कंपनियां हैं, आपको उसमें एज ए क्वालिटी मैनेजर का रोल मिल सकता है। आपको टेक्सटाइल कंपनी में भी, टेक्सटाइल में भी काफी तरह के कंपनियां होती हैं, यार्न मैन्युफैक्चरिंग में है आप, वीविंग में है आप, गारमेंट में है वगैरह वगैरह, है ना। तो सारे कंपनियों में भी आपको क्वालिटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। बैंकिंग में भी क्वालिटी मैनेजर की जरूरत होती है, जो कि अलग अलग इनिशिएटिव्स को ड्राइव करता है, हाँ, लेकिन जो रोल होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हेल्थ केयर में भी क्वालिटी मैनेजर की जरूरत पड़ती है, आप हेल्थ केयर में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, आप एविएशन में अपना कैरियर बना सकते हैं, एविएशन में भी दोस्तों काफी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, आप फार्मास्यूटिकल में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और काफी ज्यादा क्वालिटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट रहती है। इनफैक्ट क्वालिटी मैनेजर ही नहीं, इसके अलावा एक्सक्लूसिव अगर एरिया में बात करूं तो काफी जगहों में एज ए क्वालिटी मैनेजर नहीं, सिस्टम मैनेजर, बिजनेस एक्सीलेंस मैनेजर, ऑपरेशनल एक्सीलेंस मैनेजर, लीन मैनेजर वगैरह वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक तरीके से अगर बात करें तो क्वालिटी का एक्सटेंशन ही है। इसके अलावा दोस्तों बीपीओज और केपीओज में भी काफी रिक्वायरमेंट रहती है, इनफैक्ट यहाँ पर सिग्मा की भी काफी रिक्वायरमेंट रहती है, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप उसमें भी अपना कैरियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है दोस्तों, यहाँ पर भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और क्वालिटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट रहती है। हॉस्पिटैलिटी में दोस्तों, हेल्थ केयर में दोस्तों, इनमें भी रिक्वायरमेंट रहती है क्वालिटी मैनेजर की। तो दोस्तों यहाँ पर हम ब्रॉड लेवल में कुछ इंडस्ट्रीज बता रहे हैं, वैसे इंडस्ट्री जो एरिया है, डोमेन जो काफी वाइड है, और लगभग हर एक इंडस्ट्रीज में क्वालिटी मैनेजर या क्वालिटी के जो एक्सटेंशन है, जो कि मैंने अभी बताए थे, उसमें रिक्वायरमेंट तो होती ही है। और दोस्तों हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है काफी सारे लोगों के लिए, सैलरी। तो दोस्तों सैलरी जो डिपेंड करता है, ये आपके क्वालिफिकेशन पे, आपके क्रेडेंशियल्स पे, आपके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे, और यहां तक कि आपने कौन कौन सी कंपनियों में काम किए हैं उसके क्रेडेंशियल्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों एज एन इंडिविजुअल आप अपने आप को कैसे सेल करते हैं, अगर आप प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉयर के पास में इंटरव्यू के लिए गए हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखे हैं जहां पर कि उनके पास में नॉलेज होते हुए भी वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी हायरिंग की अपॉर्चुनिटी काफी कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर टिपिकल एक क्वालिटी मैनेजर की बात करें, जैसे कि 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और एक एवरेज इंडस्ट्री में 10-12 लाख का सैलरीज मिल जाता है, लेकिन अगेन ये बहुत ही वेग फिगर है, बहुत डिपेंड करता है इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री के अलावा किस स्पेसिफिक कंपनी में भी काम करते हैं। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अच्छा खासा सैलरी देती है, सिमिलर रोल को छोटे कंपनी में अगर आप निभाएंगे तो हो सकता है कि आपको कम सैलरी मिले। लेकिन दोस्तों क्वालिटी मैनेजर जो है एक डेजिग्नेशन नहीं है, एक रोल है बेसिकली, और जो क्वालिटी मैनेजर का रोल है ये अलग अलग लेवल में निभाया जाता है। आप एक डायरेक्टर भी बन सकते हैं क्वालिटी के एरिया में, आप एक वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आप एक एसोसिएट मैनेजर भी बन सकते हैं वगैरह वगैरह, है ना। और आपका जो रोल होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारे जगहों में जो रोल होता है स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। आप कॉर्पोरेट रोल भी प्ले कर सकते हैं जहां पर कि आप मल्टी प्लांट के क्वालिटी सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस को मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेशनल एक्सीलेंस को, बिजनेस एक्सीलेंस को मैनेज कर रहे हैं। यानी कि आपका जो रोल है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक भी हो सकता है और कॉर्पोरेट रोल भी या सेंट्रल क्वालिटी का रोल भी हो सकता है। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली आपके सैलरी भी बहुत फर्क पड़ती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रोग्राम से क्वालिटी मैनेजर के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको उसमें क्लैरिटी मिली होगी। तो दोस्तों हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए, और क्वालिटी ऑफ इंडिया अगर आपको आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए अगर आपको हेल्प कर पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं, जिससे कि आप घर बैठे काफी कुछ सीख सकते हैं
और अपने पोजीशन को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने मार्केट की क्रेडिबिलिटी को बहुत बढ़ा सकते हैं और अपने एम्प्लॉयबिलिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, डिटेल में हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट www.qualityhubindia.com में जाएं, वहां पर कोर्सेज सेक्शन में जाके क्लिक कर लें तो सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, सीख सकते हैं और घर बैठे आप सर्टिफाइड भी हो सकते हैं। और दोस्तों, डायरेक्टली हमारे कोर्सेज को बाय करने के लिए आप courses.qualityhubindia.com में भी जा सकते हैं, वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स आप अपना स्टडी भी शुरू कर सकते हैं। टेस्ट भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी आपको घर बैठे मिल जाएगा और लर्निंग आपको वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री होगी, जिसकी हमारी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों, हमने हमारे प्रोग्राम को बहुत ही एग्जॉस्टिवली विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज रखे हैं, आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई भी क्वेरी हो, आप हमें हमारे मेल आईडी में या फोन नंबर में कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।